आपके घर में बहुत सारे सामान ऐसे पड़े होंगे जो निष्प्रयोज होंगे, जिसे कचरे के रूप में हम कहीं फेंक देंगे और उससे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचेगा। ऐसे सामानों का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, आइए हम प्रांजल से जानते हैं। प्रांजल हमारे भांजे हैं, आज इनके साथ हूं और पहला जो इन्होंने प्रयोग किया है उसे हम दिखाते हैं। प्रांजल क्या है यार? ये ट्राइपॉड है, इसमें मोबाइल लगा के हम वीडियो या फोटोज खींच सकते हैं। हाँ। ये मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया था। ये बॉटल है, इसका बॉटल का पीस इसको काट के बनाया। हाँ। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो कैलेंडर थे उनका यूज किया। अच्छा। और इसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए मैंने इसमें कीलियां लगाई हैं। हाँ। और पेंट किया है फिर। तो क्या इसका प्रयोग किया जा सकता है लगा करके मोबाइल? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप फोन लगा लीजिए फिर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो यह तो अच्छा हो गया। और इसमें इस तरह के पेपर हैं, कैलेंडर वगैरह। हाँ। अच्छा लग रहा है, ऐसे आप फोन लगा के कहीं भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए, यह तो रहा, इन्होंने मोबाइल और कैमरे का स्टैंड बनाया है। देखने में मैं तो समझा कि प्रांजल खरीद करके लाया होगा, लेकिन प्रांजल ने ऐसे ही घर में पड़ी हुई उन वस्तुओं का प्रयोग किया और यह बना दिया। इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, ये है मतलब। अच्छा, यहाँ से। हाँ, इसे आप अंदर करेंगे तो अच्छा, इसको करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। हाँ। तो इसको करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रांजल कला के भी शौकीन है, अभी इन्होंने कुछ पेंटिंग भी किया है। बताते चले, हमारी दो बहनें हैं, बड़ी बहन जो हमारी है वो अभी हमसे काफी छोटी है, दूसरी वाली हमसे बहुत छोटी है। तो दूसरी वाली का नाम उषा है और लखनऊ में वो रहती है, आजमगढ़ में मूल निवास है उन लोगों का, वहीं शादी हुई थी लखनऊ में। प्रांजल उषा के बड़े लड़के हैं, उसके बाद दो बेटियां हैं। रक्षाबंधन में मेरे ख्याल से मुझे रहना होगा लखनऊ में, तो मैं एक वीडियो अपनी छोटी बहन के साथ भी बनाऊंगा। कुछ पेंटिंग किया है प्रांजल ने। ये तो मेरे बचपन की पेंटिंग से ये। अच्छा, कृष्ण जी हैं। अच्छा, और ये जब मैं थर्ड सेकंड क्लास में था तब मैं पेंटिंग्स बनाता था। ये अच्छा, हनुमान जी हैं और ये शंकर जी हैं, कृष्ण जी हैं। अच्छा, और फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, थोड़ी और पेंटिंग अच्छी हुई, तो फिर ये मैंने कॉम्पिटिशन में बनाया था। इसका कंसेप्ट क्या है? ये रिलीजन बेस्ड है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और ये कंपटीशन हुआ था तो अच्छा, सर ने एक टॉपिक दिया था कि इस टॉपिक पे आपको बनाना है, तो हम बना के ले गए। अच्छा, इसमें चर्च भी है। हाँ। और मंदिर भी है जी। मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है जी। हाँ। चारों दर्शाया गया और सभी ने हाथ उठा करके एकता का प्रदर्शन एकता किया का है। हम एक है जी। चलिए और कुछ, और इसको। हाँ, और ये दुर्गा माता है, ये मैंने नवरात्र में बनाया था। नवरात्रि में कब बनाए थे? 2017 की बात है। अच्छा, हम इसको दिखाते रहते हैं। उसके बाद एक इन्होंने बड़ा काम किया है जिसने मुझे भीतर तक अपील किया है, चिड़ियों का इन्होंने कृत्रिम घोंसला बनाया है। और आपको यह भी बता दें कि चिड़ियां आकर के रहती हैं उसमें, निवास करती हैं, अंडे देती हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं, उसको सेती हैं और बड़ा सुख का कारक है। उसको भी हम दिखाएंगे, उसके पहले इनकी कुछ पेंटिंग देख लेते हैं। ये हमारी सिस्टर है, उसका है। मदर्स डे के दिन इन्हें गिफ्ट दिया था ये बना के। अच्छा। हाँ। लेकिन मुंह तो उसका अच्छा है जी, कुछ 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 नहीं लग रहा है कि चलो ठीक है, अच्छा है। 2-3 साल पहले का, छोटा था। अच्छा, पहले का बनाया। हाँ, और ये मेरी दोनों बहनें हैं। ये दोनों बहनों का बनाया है। हाँ। और ये मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी के दिन मैंने उन्हें दिया था गिफ्ट। अच्छा। हाँ। ये कब दिया था? ये पिछले साल की बात है। अच्छा, लिखा नहीं है कि शादी की सालगिरह कौन सी है। यह सोनी है जिनसे शादी हुई है, नगर निगम में निरीक्षक हैं, और ये हमारी छोटी बहन है उषा। तो यह रहा, अब हम चलते हैं और दिखाते हैं कि पक्षियों का घोंसला इन्होंने किस तरह से घर की परित्यक्त चीजों को, जो निष्प्रयोज चीजें हैं उससे इन्होंने कैसे बनाया। चलिए, यह है पक्षियों का कृत्रिम घोंसला जिसमें इस समय अंडे हैं और पक्षियां आती हैं। वह गौरैया तो नहीं है, गौरैया के बाद वाली पक्षी जाती है, तो मैं यही जानता हूँ। हाँ प्रांजल, यह घोंसला कैसे बनाया था? ये एक बार मेरी बहन का बर्थडे था, तो फिर बर्थडे केक आया, तो फिर इसमें का ये डब्बा है। हाँ। ये भी वेस्ट मटेरियल, मम्मी फेंक रही थी तो मैंने कहा कि लाइए मैं इसको यूज करता हूँ। और ऊपर का कैडबरी का डब्बा आप देख सकते हैं।
और ये चूड़ी का डब्बा है, और नीचे मैंने थोड़ा सपोर्ट के लिए पेन लगाया है। अच्छा, और वो अभी निष्प्रयोग हो गई थी। हाँ। लिखो फेंको है तो उसका प्रयोग कई बार होता है। हाँ। और फिर ऊपर से भी उसका सपोर्ट के लिए मैंने पेन लगाया, तो बेस्ट मटेरियल से बन गया। अब इसमें पहले भी बच्चे निकले हैं अंडे से, इस बार इस समय भी अंडे हैं। आती रहती है। अब यह देखिए उधर भी बुलबुल है, बुलबुल के लिए अभी तक यह नहीं बना पाए हैं, तार से कटी हुई है। यहाँ प्राकृतिक रूप से भी अच्छा लग रहा है। इस समय भी इसमें अंडे हैं, और इससे अधिक हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी जीवन है, वह डर जाएंगी और उन्हें लगेगा कि कोई संकट पैदा हो गया है। तो यह है प्रांजल, इन लोगों ने और भी मिल करके किया है। यहाँ देखिए कुछ पौधे हैं। यह समी क्या है, समी बड़ा शुभ माना जाता है, और प्रांजल यह मिट्टी के हैं गमले। तो कौन ले आया है, आप ले आए हो कि मम्मी ले आए हैं? मेरी मम्मी जी, उनको ये सब लगाने का बहुत शौक है। एक एक बार तो मतलब बहुत धूप थी तब भी हो गई थी, क्योंकि उनको लगाना था। पहले तो दो तीन गमले थे, फिर उन्होंने सोचा कि इधर से दिखाते हैं। यह पानी पक्षियों के लिए रखा गया है क्या? जी हाँ, इस तरह से रखा जाता है, इसमें पक्षी आती है, पानी पीती है। और इधर यह तुलसी है, संजीवन बूटी है, और इस रात रानी है। इस तरह से गमले छोटी सी से जगह में भी किस तरह से पर्यावरण पोषित पक्ष का प्रस्तुतिकरण हो सकता है। तुलसी ऑक्सीजन प्रदाता है। तो यदि 15 अगस्त को हमारा लखनऊ आना हुआ, तो आज अल्प समय के लिए लखनऊ हम आए हैं, और फिर हम निकलेंगे यहाँ से, बरेली जाना है, तो हम बहन के साथ भी। धन्यवाद प्रांजल, अच्छा लगा। और भी इस तरह के काम कर रहे हैं, जो भी परित्यक्त चीजें हैं उनका प्रयोग हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, इसे और भी आगे बढ़ाना है। धन्यवाद, सभी को विनम्र भाव से नमस्कार।